एवरीवन, वेलकम टू शुक्रिया किचन। आज मैं बनाने जा रही पपाया का सब्जी। तो पपाया का सब्जी मैं कैसे बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये बंगाली में बोलते हैं पेपर घंटो। तो आइए देखते हैं। देखिए एक बड़ा सा पपाया लिया था मैं बाजार से लाया, तो उसका मैंने आधा काट लिया। तो आधा लेके मैं इसका स्किन, पहले तो इसका स्किन निकल लिया, उसके बाद मैं ये ग्रेटर से घिस लिया। देखिए ऐसे मैंने इसको घिस लिया। आप ही देखिए इसको मैं कैसे बनाऊंगी। मैं कढ़ाई गैस में बैठा दिया। अभी कढ़ाई गर्म होते ही मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, राई का तेल, या आप सादा तेल भी डाल सकते हो। कढ़ाई गर्म हो गया, अभी मैं इसमें 2 टेबल स्पून राई का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया, मैं ये बड़ी डाल देंगे। ये बड़ी उड़द दाल से बनता है, ये बाजार में मिलता है, या आप घर में भी इसको बना सकते हो। मोस्टली ये बंगाली शॉप में मिलता है। ये डालने से बहुत टेस्ट आता है सब्जी में, तो अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। बड़ी फ्राई हो गया, मैं इसको निकाल लेंगे एक बोल में। बचा हुआ तेल में मैं डालूंगी 1 तेज पत्ता तोड़ के दिया, डालूंगी इसमें 1 टीस्पून सादा जीरा। अभी देखिए जीरा चटकने लगा, मीन्स फ्राई हो गया ये। तब मैं डालूंगी इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी देते ही मैं इसमें वो घिसा हुआ पपाया डाल देंगे। ये मेरा ट्रिक्स है, आप सबको मालूम है। मैं हल्दी डाल के फिर उसमें मैं सब्जी या जो देना है वो डालती हूँ, ये तेल छिड़क के बाहर ना आए इसीलिए। तो अभी देखिए जो मैंने घिस के रखा था वो पपाया डालूँगी। ये करीब 300 ग्राम होगा, क्योंकि पपाया बहुत ही बड़ा था, तो मैंने आधा घिसा। फिर भी करीब आपको 300 ग्राम जैसे पपाया है। अभी इसमें डालूंगी एक बारीक कटे हुए ग्रीन चिल्ली, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। आप पूरा ग्रीन चिल्ली से भी बना सकते हो, तो मैं थोड़ा कलर के लिए रेड चिल्ली डाला। अब इसको मिक्स कर दीजिए अच्छा से। फिर मैं इसको ढक के रखूंगी 5 से 6 मिनट तक। फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो नीचे लग जाएगा। बीच में एक बार ढकना निकाल के उसको देखेंगे लग ना जाए नीचे कढ़ाई में। एक बार ढक्कन खोल के देखेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और पकने में थोड़ा बाकी है। पपाया ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है, अच्छा है पपाया खाना। अभी मैं इसमें
टीस्पून अदरक का पेस्ट डालूंगी। नहीं डाल के भी आप खा सकते हो, बस डालने से अदरक अच्छा है और पपाया के साथ ये बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो इसमें अगर आप चाय नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, ऐसे भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़्यादा लगता ही नहीं है, सिर्फ हल्दी नमक जीरा जीरा पाउडर बस सिंपल ग्रीन चिल्ली, बट ये बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही अच्छा लगता है गरम गरम चावल के साथ आप खा सकते हो। चाहे तो आप रोटी के साथ पराठा के साथ भी खा सकते हो, अच्छा लगता है, ऐसे कुछ नहीं जी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप ज़रूर बना के खा के देखिए। चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं जी हम नहीं खा सकते हैं, हम लोग रोटी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। फिर से मैं और 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे, ये 60% तो पक गए, तो और थोड़ा पकना बाकी है, तो इसलिए अभी ढक्कन खोल देंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया, मतलब एकदम पक गए। अभी इसमें मैं डालूंगी जो बड़ी मैंने फ्राई करके रखा था उड़द दाल का, वो बड़ी डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो बिना डाल के भी आप खा सकते हो। बड़ी डाल दिया, इसमें मैं टेस्ट के लिए, अगर ये आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा मैं शक्कर डालूंगी और इसमें थोड़ा बड़ी कटे हुए हरा धनिया, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हरा धनिया का एक फ्लेवर भी खुशबू भी आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा हरा धनिया डालती हूँ। तो अभी ये आप गरम गरम चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं इसमें लास्ट डालूंगी 1 टीस्पून घी, तो ये घी आ गया बस, मीन्स और आपका टेस्ट बढ़ गया एकदम अच्छा से पक गया एकदम। अभी मैं इसको डालूंगी 1 सर्विंग बोल में। सर्विंग बोल में डालने से पहले मैं 1 मिनट के लिए ढक के रखूंगी, क्योंकि जो घी दिया वो उसका अंदर थोड़ा वो फ्लेवर जाना चाहिए, इसीलिए 1 मिनट के लिए रखूंगी। तो देखिए रेडी है पेपे घंटो मीन्स पपैया की सब्जी, जरूर बनाइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल देखते रहिए, मैं न्यू न्यू रेसिपी लेके आएंगे, मेरे साथ रहिए। ओके मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ, बाय।